बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ऑल वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखने की बिल्कुल भी नहीं करना हो, जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलें जी, टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। व्लॉग जो है ना सैरी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो है ना सब सैरी कर रहे हैं। भाई अंदर रूम में कर रहा था, मामा और आप इधर बैठ के कर रही थी, और जो है ना यहाँ पे मैं जा रही थी अपने सैंडविच देखने के लिए, क्योंकि मैंने सैंडविच जो है ना सैंडविच मेकर में लगाए हुए थे, तो उसकी जो है ना लाइट ऑन हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलो इसको निकालती हूँ। और फिर कहते मैंने अपने लिए ये सैंडविच बना लिए थे, और मामा और आपी ने जो है ना वो पराठा बनाया था अपने लिए, और साथ में जो है ना दही अचार। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे घर में ज़्यादा दही और अचार से ही सैरी की जाती है, जो मैंने पहले सैरी की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। जिस जिसने वीडियो देख लिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया, जिसने नहीं देखी हुई मैंने ऊपर उसका लिंक लगा दिया, आप लोग जाके वॉच कीजिएगा। चलें जी, सैंडविच हो गए हमारे रेडी, तो मैं भी सैरी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मामा आपी और भाई तो पहले ही कर रहे थे, क्योंकि सैरी का टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है, तो फिर होता है कि जल्दी जल्दी जो है ना सैरी की जाए। वैसे तो हम 3 बजे जो है ना उठ जाती हैं मम्मा, लेकिन हम भी कभी 3 बजे उठ जाते हैं, कभी 3:30 बजे, तो क्योंकि मम्मा पहले उठ जाती हैं, मम्मा फिर बाज़ार से दही वगैरह भी लेके आती हैं, और जो इस तरह की चीज़ें वगैरह लानी हो वो मम्मा लेके आती हैं, फिर आके मम्मा पराठे वगैरह बनाती हैं। तो आज मैं थोड़ी लेट उठी थी, इस वजह से जो है ना मेरा जो है ना सैरी जल्दी जल्दी में बनाई, और यह सैंडविच रात में मिक्सचर बनाया था वो पड़ा हुआ था, वही मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना इसके अंदर लगाया और सैंडविच बना लिए। तो यहाँ पे सब लोग जो है ना सैरी कर लिया, तो अब उसके बाद किचन की ये हालत है, क्योंकि रात में हमारे बर्तन वगैरह वॉश नहीं थे हुए, तो रात में पानी नहीं था आ रहा, तो इस वजह से, तो उसके बाद यहाँ पे जो है ना सारे बर्तन बिखरे पड़े थे। अब भी पानी नहीं आया, पानी जो है ना अब आएगा सुबह तकरीबन 7 बजे, तो फिर जो है ना उठ के तो फिर बर्तन वगैरह वाश करेंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने चार्जर लिया, अब लाइट वगैरह करते हैं ऑफ, तो चलते हैं नीचे, नीचे जाके तो नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। मामा आपी और भाई पहले ही नीचे चले गए थे, उन्होंने जाके तो शायद नमाज़ पढ़ भी ली हो, क्योंकि मैं चीज़ें वगैरह समेटने लग गई थी, फ्रिज में जो रखने वाली थी वो रखने लग गई थी। कभी मामा रख लेती हैं, कभी मैं रख लेती हूँ, कभी मैं पहले जाके पढ़ लेती हूँ, कभी मामा पढ़ लेती हैं, तो अभी मामा और आपी दोनों ने पढ़ ली हुई थी, तो लास्ट पे मैं रह गई थी। तो अब जो है ना मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, नमाज़ पढ़ के फिर तस्बीह वगैरह पढ़ी, कुरान मजीद पढ़ा, तो सारा कुछ जो है ना पढ़ के फिर जो है ना सो जाती हूँ मैं। तकरीबन 6:30-7 बजे जो है ना मैं सोती हूँ, तो फिर मामा भाई को स्कूल भेज देती हैं, मामा उठती हैं, फिर बर्तन वगैरह जो है ना वही वाश कर देती हैं। उसके बाद फिर मैंने कुछ, मैं तकरीबन उठती हूँ 11:30-12 बजे, ठीक है, तो उसके बाद फिर हो जाता है अफ्तारी का टाइम, तो अफ्तारी की प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी जी चाट, फ्रूट चाट ऑरेंज जूस वाली, तो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ एक चाट की रेसिपी शेयर की हुई है, मसाला चाट, जिसके अंदर शीरा डाल के मैं बनाती हूँ। अगर किसी ने उसकी रेसिपी नहीं देखी हुई तो मेरे चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं ऊपर लगा दूँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैं आज बना रही थी ऑरेंज वाली चाट, तो बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो जो फ्रूट घर में मौजूद था फिर मैंने उसी से ही जो है ना बनाई थी। मैंने लिए थे 4 एप्पल लिए थे, और साथ में एक खरबूजा पड़ा हुआ था वो लिया था, खरबूजा तो और भी था लेकिन मैंने कहा एक ही काफ़ी है। फिर मैंने जो है ना उनको छील लिया था, सेब को भी और खरबूजे को भी, फिर उसके बीज निकाल के उनको कट किया था, और साथ में मैंने लिए थे 8 से 10 अदर जो है ना केले, तो बस मैंने ये 3 फ्रूट ऐड किए थे, सेब, खरबूजा और केला, क्योंकि मेरे पास घर में यही मौजूद थे। आप लोग चाहें तो कोई भी डाल सकते हैं, जितना भी जौन सा भी आप लोगों को पसंद हो, कोई भी फ्रूट या घर में मौजूद हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये भी चीज़ हो, ये भी चीज़ हो, ये भी चीज़ हो तो फिर ही हम बना सकते हैं, लेकिन हम कम से कम चीज़ों से भी चाट बना सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनती है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपनी पसंद की बात होती है, जौन सा मर्ज़ी फ्रूट ऐड करें जो घर में मौजूद है। ये नहीं है कि ये हमारे घर में नहीं है तो हम ये चीज़ खा नहीं सकते, हर चीज़ खा सकते हैं, कम चीज़ों से भी हर चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पे जो है ना मैं कर रही थी फ्रूट को कटिंग, पहले मैंने इनको सेब को और जो है ना खरबूजा इसको छील लिया था अच्छी तरह से, तो अब जो है ना मैं इसको साफ़ करके, ये कटिंग बोर्ड है तो मेरा छोटा सा, लेकिन इसके ऊपर
मैं काम वगैरह काफ़ी करती हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं नया ले के आऊँ। मामा को बोला है कि जिस दिन आप बाज़ार जाएंगे ना, तो नया ले के आएंगे। बाज़ार जाते तो हैं लेकिन याद नहीं रहता है लेके आना, तो इस वजह से जो है ना, तो हमारे इधर जो शॉप है उधर मैंने भाई को बोला था कि हाँ मुझे ला दे, लेकिन वो ला के नहीं दे रहे। तो इस वजह से मैं मामा को कहती कि ये बहुत छोटा है, इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी करके जो है ना चीज़ की कटिंग करनी पड़ती है, तो आप मुझे ना बड़ा कटिंग बोर्ड ला के दें। तो ये तो मैं $1 शॉप सी वहाँ से लेके आई थी, तो ये जो है ना मैं वहाँ से लेके आई थी कटिंग बोर्ड। वहाँ पे ना बड़े मुझे मिले नहीं थे, ये छोटा सा मुझे काफ़ी प्यारा लगा था। जब मैं इसको न्यू लेके आई थी तब इसका कलर भी बड़ा प्यारा था और जो है ना लगता भी बड़ा प्यारा था, फिर मैं इसको लेके आई थी तब। तो आज से तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है जब मैंने ये कटिंग बोर्ड लेके आई थी, तो ये बहुत ही जो है ना प्यारा था। तो अब जो है ना मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बड़ा ले आऊँ, क्योंकि जब ये सब्ज़ियाँ वगैरह कट करते हैं ना, ख़ास तौर पे जो है ना बंद गोभी या कुछ इस तरह से चीज़ें वगैरह कट करते हैं, तो ये नीचे गिरती हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए फिर पहले मैं जो है ना शेल्फ़ को अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, अगर नीचे गिरे भी तो ज़ाया ना हो। तो उसके बाद जी यहाँ पे देखें जी, बाप से बातें करते करते हमारा सारा फ्रूट जो है ना वो कट हो चुका है, तो अब इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने पहले आप लोगों के साथ एक जो है ना फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर की हुई है, वो मसाला चाट की, तो अगर किसी ने देखी हुई है तो ठीक है, अगर नहीं देखी तो उसके ऊपर लिंक शो हो रहा है, आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा, वो भी बड़ी मज़े की बनती है। उसके अंदर चाट मसाला और शीरा डलता है, तो इसके अंदर जो है ना ऑरेंज जूस वाली आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ऑरेंज जूस जो है ना ये मैंने निकाल के रखा हुआ था, तो इसके अंदर से सारे बीज वगैरह मैंने छान के रखे थे, और इसके अंदर हम डालेंगे चाट मसाला। सबसे पहले मैंने जो है ना बड़े बोल में डाल लिया, क्योंकि वो बोल काफ़ी छोटा था, क्योंकि वो फुल भर गया था तो उसके अंदर मिक्स नहीं था ना, फिर मैंने इसको बड़े बोल में डाला है। और ऑरेंज जूस तकरीबन मैंने लिया है 1/2 प्याली से ज़्यादा है, तो आपकी क्वांटिटी के मुताबिक आप लोग लीजिएगा कि जितना आपको ज़रूरत हो। मुझे इतना ही काफ़ी था 1/2 प्याली, तो मैंने जो है ना इसे इतना ही लिया है। तो यहाँ पे मैंने जो है 1/2 टेबल स्पून जो है ना इसके अंदर चाट मसाला डाला है, आपके घर में जितना पसंद किया जाता है उतना डालिएगा, हमारे घर में कम खाया जाता है इस वजह से जो है ना मैंने कम ही डाला है। तो यहाँ पे जो है ना मैं इसको मिक्स कर रही थी, यहाँ पे एक बीज निकला है मैंने कहा अब इसको तो निकालना बहुत ही ज़रूरी है, अगर दांत वगैरह के नीचे आ जाए ना तो बहुत ही बुरा इसका जो है ना टेस्ट आता है। तो अब ये जो है ना चाट मसाला हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया, अब इसके अंदर जो है ना हम ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे, और हमारी सारी जो है ना फ्रूट चाट मज़ेदार तैयार हो गई है। अच्छा जी, अब आप सोच रहे होंगे कि इफ्तारी की वीडियो तो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं, वो आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी कि क्या क्या मैंने और क्या क्या इसके साथ मज़ीद बनाया था। तो अगर इसी में ऐड करती तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इस वजह से वो आपको पार्ट 2 में मिलेगी इफ्तारी, कि मैंने इफ्तारी में क्या क्या बनाया था। इसमें सिर्फ मैंने ये एक ही रेसिपी जो है ना शेयर की है, इसलिए आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखना। बस यहीं तक थी जी मेरी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।